बजट में इस बार सरकार का फोकस रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने वाला है, ये कहना है HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्त्री का। जी बिजनेस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य में ब्याज दरें घटने की उम्मीद अब कम है। सर, ये अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी काफी बात हो रही है कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। डू यू बिलीव द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव रिलैक्सेशन इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट सर? मुझे जरूर लगता है कि हाउसिंग के लिए कुछ रिलैक्सेशन आएगी। आई थिंक द बजट फोकस एरिया विल बी ऑन फाइव और सिक्स ब्रॉड थीम्स। फर्स्ट विल बी जॉब क्रिएशन, सेकेंड विल बी हाउसिंग, थर्ड विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ विल बी SME, फिफ्थ विल बी द रूरल सेक्टर, एंड सिक्स्थ विल बी समथिंग लाइक सेविंग्स, हाउ टू एनकरेज सेविंग्स इन द इकोनॉमी। तो ये छह थीम्स के आसपास मेरे हिसाब से बजट विल बी फोकस्ड। अभी जो हाउसिंग जो है, हाउसिंग के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिट्स आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 24 के हिसाब से यू गेट अ टैक्स डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट दैट इज पेबल ऑन अ हाउसिंग लोन। द टैक्स डिडक्शन टुडे इज 2 लाख रुपीज। अब ये जो 2 लाख की लिमिट है वो काफ़ी टाइम से 2 लाख की लिमिट हो गई है। So there is some scope to increase that limit from 2 lakhs to say 2.5 lakhs or 3 lakhs. तो वो एक चीज हो सकती है। Second, अगर आपको encourage करना है individual को घर लेने को, housing is very expensive and all over the country, particularly in the big cities. अभी जो big cities के अंदर जो घर का जो भाव इतना high है, तो why can't we think of a benefit which is given to consumers like depreciation is given to a company. तो कंपनी प्लांट एंड मशीनरी अगर लेती है और कंपनी बाइज अ बिल्डिंग फॉर इट्स ऑफिस यूज, इट गेट्स डेप्रिसिएशन। RBI की स्पीच सुनने के बाद हमको ऐसा लगता नहीं कि शायद वो इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट काटना चाहते हैं या उसको लेकर कोई उनकी हरीनेस हमको दिख रही है। ये एक्सपेक्ट करें कि शायद इस पूरे ही कैलेंडर ईयर में नहीं होगा। देखिए, पूरे कैलेंडर ईयर में बोलना डिफिकल्ट है क्योंकि देयर आर सो मेनी things which we today have no idea about, but जो आज दिख रहा है उसके हिसाब से तो definitely नहीं लगता है कि interest rates कम हो गया, definitely नहीं लगता है। If you take the last 6 months, interest rates तो काफ़ी भरे हुए हैं। RBI has not increased rates, but overall rates in the economy have gone up. If you see bond yields, you take the 10-year bond, you take the 5-year bond, take the 1-year bond, take any market benchmark, interest rates are up from anything from 40 basis points to as much as 60-70 basis points. So काफ़ी rates बढ़ गए हैं। Plus there is a overlying fear of oil prices going higher, there is an overlying fear of inflation beginning to pick up in the economy. So all these factors taken together will make it very difficult for RBI to cut rates. But at the same, plus you take into account the fact that US is increasing rates. So you can't have a situation where US keeps increasing rates and India keeps reducing rates. But if that situation happens, you will see massive outflow of money out of India, which will put a lot of pressure on the currency. The rupee will weaken, and the rupee weakens, inflation will set in because your cost of imports will go higher. So that is not something which I think we should expect at this point of time. Having said that, I think RBI will keep a stable interest rate environment for the next few months, and at least till June, July, I don't see any change in RBI's interest rate policy. I would think they will maintain the rates the way they are. But a lot will depend upon what the fiscal deficit is. वो हमारी अभी जो 1 फरवरी बजट में जो प्रेजेंट होगी, वी विल गेट टू नो व्हाट द फिस्कल डेफिसिट इज। इफ द फिस्कल डेफिसिट हैज बीन केप्ट इन लाइन विद व्हाट द बजटरी एक्सपेक्टेशन आर, आई थिंक मार्केट रेट्स विल रिएक्ट एंड वी विल सी रेट्स कमिंग डाउन अ लिटिल बिट, बिकॉज रेट्स हैव गॉन अप इन एक्सपेक्टेशन दैट द फिस्कल डेफिसिट नंबर विल बी ब्रीच्ड।